बड़ी जानकारी आ रही है वो सबसे पहले आपको बता दें तो बड़ी खबर बड़ी जानकारी इस बीच आ रही है। सीएम नायब सैनी का गुरुग्राम दौरा, गुरुग्राम दौरे पर सीएम ने भवन का शिलान्यास किया, ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बड़ी जानकारी, जाट कल्याण सभा के भवन का शिलान्यास किया है, तो बड़ी खबर जाट कल्याण सभा के भवन का शिलान्यास किया गया है, ये बड़ी जानकारी आ रही है। राज्य मंत्री संजय सिंह रहे मौजूद, इस वक्त की बड़ी खबर। सांसद रणबीर सिंह भी मौजूद रहे हैं, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम नायब सैनी का दौरा, सीएम ने भवन का शिलान्यास किया है, इस वक्त की बड़ी खबर। जाट कल्याण सभा के भवन का शिलान्यास मुख्यमंत्री ने किया है, तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आकाश खुराना संवाददाता गुरुग्राम से हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आकाश, गुरुग्राम का दौरा मुख्यमंत्री का बेहद महत्वपूर्ण यहां पर रहा है, जो जानकारी आ रही है फिलहाल इस मौके पर कौन कौन मौजूद रहे मुख्यमंत्री के साथ? बिल्कुल, बात करें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का गुरुग्राम दौरा, कल जिस तरीके से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पटौदी में एक रैली को संबोधित किया था और वहीं पटौदी के विकास के लिए कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया था, वहीं आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सेक्टर 10 में जाट कल्याण सभा के भवन का शिलान्यास जो है वो उन्होंने किया है। उनके साथ राज्य मंत्री संजय सिंह, बीजेपी सांसद धर्मवीर सिंह और वहीं राज्यसभा सांसद सुभाष बराला उनके साथ मौजूद हैं। और ऐसे में पिछले काफी लंबे समय से जाट कल्याण सभा की जो मांग थी भवन की, वो पिछले काफी लंबे समय से थी, अब आज सेक्टर 10 में जाट कल्याण सभा के भवन का शिलान्यास जो है वो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया। जी बिल्कुल, विकास कार्यों के आकाश अगर यहाँ पर बात की जाए और खासकर कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि हरियाणा के लिहाज से इस साल चुनाव भी है, साल के अंत में विधानसभा चुनाव, इस लिहाज से अब कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से सक्रियता जो है वो यहाँ पर लगातार बढ़ती जा रही है? जी बिल्कुल, बात करें जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में जो है कुछ ज्यादा समय जो है वो नहीं रहा है, क्योंकि अगस्त का महीना जो है ये चल रहा है और अक्टूबर में जो विधानसभा के चुनाव जो है वो होने हैं, तो ऐसे में तमाम जो हरियाणा सरकार की जो योजनाएं हैं उनको धरातल पर जिस तरीके से ज्यादा पहुँचाया जाए, लोगों के बीच पहुँचाया जाए और लगातार जो शिलान्यास और उद्घाटन है वो मुख्य हरियाणा को इस बार जिस तरीके से कल पटौदी में भी देखा गया कि तमाम जो शिलान्यास और उद्घाटन जो है वो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की पटौदी के विकास के लिए किए, और काफी लंबे समय से मांग जो है वो पटौदी की थी, लेकिन अब आज जाट कल्याण भवन का भी जो अपना मांग थी वो पिछले काफी लंबे समय से थी, आज उसका शिलान्यास जो है वो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया, और ऐसे में कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव नजदीक जो में जो है ज्यादा समय नहीं रहा है, तो ऐसे में तमाम जो भी शिलान्यास और उद्घाटन है वो लगातार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से किए जा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आकाश खुराना इस तमाम जानकारी के लिए।